लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तेरे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा हूं। तू ये जानता था कि कालकेश्वर के साथ वफादारी का मतलब है जिंदगी और गद्दारी का मतलब है मौत। Happy
थैंक यू। Congratulations. Thanks. सर जी आपको बहुत बहुत बधाई हो सर जी। थैंक यू आप दोनों को शादी की सालगिरह के अवसर पर मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत शुभ है सर जी और मेरा मन आपसे कुछ कहने के लिए अति व्याकुल है और मैं आज आपसे अपने मन की बात कह के रहूंगा सर जी। बोलो क्या बात है सर जी। यहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, कहीं एकांत में चले तो? कोई खुफिया बात है सर जी? बहुत खुफिया बात है, आप चलिए तो सही। चलो चलो सर जी, आइए तो आइए ना। मैडम शादी की पहली सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू। सर जी कहाँ हैं? वो यहीं कहीं होंगे। अच्छा हम देख लेते हैं। कालकेश्वर जी मैं एक मामूली सा समाज सेवक हूँ, आपने एक बार मेरे एक गाल पर तमाचा मारा था। ऐसे मैं एमएलए बन गया। Congratulations on your wedding anniversary. Today you look like a fairy. आप बिल्कुल अप्सरा लग रहा है। तुम पार्टी छोड़कर क्यों चली आई? तुम्हें मेरे नाम और इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं? तुमने इतना भी नहीं सोचा कि तुम्हारे इस तरह चले आने से लोग क्या सोचेंगे? जब आप मुझे पार्टी में अकेला छोड़ के चले आए थे तब ये ख्याल नहीं आया कि लोग क्या सोचेंगे? आपके मेहमान मुझे अकेला देखकर मुझ पर हंस रहे थे, मजाक बन गई थी मैं उनके लिए, इसलिए पार्टी छोड़ के चले आई। नॉनसेंस, ये तुम्हारा वहम है। तुम कालकेश्वर सिंह की पत्नी हो, हंसना तो दूर की बात, कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। तुम्हें वहां मेरे आने तक रुकना चाहिए था। आप जानते हैं कि मैं सिर्फ आपका दिल रखने के लिए पार्टी में गई थी, वरना मुझे पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। What do you mean? ये कोई ऑर्डिनरी पार्टी नहीं थी, ये हमारी शादी की सालगिरह की पार्टी थी। हमारी नहीं, आपकी शादी की सालगिरह। आप अच्छी तरह जानते हैं मिस्टर कालकेश्वर सिंह कि दुनिया की नजरों में आप मेरे पति जरूर हैं, लेकिन मैं आपको अपना पति नहीं मानती। मारिए और मारिए, मार मार के मेरी जान ले लीजिए, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपकी मार से मेरे दिल में आपके लिए कोई प्यार पैदा हो जाएगा तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। I hate you. But I love you. And one day you will also love me. अपनी जिंदगी से तंग आकर एक दिन तुम खुद अपनी जबान से मुझसे कहोगी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आपका ये सपना इस जन्म में तो पूरा नहीं होगा। जो भी होगा इसी जन्म में होगा। कालकेश्वर सिंह कभी हारता नहीं, वो तुम्हें जीत कर ही रहेगा। आ,
नॉनसेंस। एल्बर्ट हमारा 20 करोड़ रुपए का बैलेंस देने से इंकार कैसे कर सकता है? उस हरामजादे को मालूम नहीं कि दो नंबर का धंधा सिर्फ जुबान के ऊपर चलता है, और जो जुबान से फिसल जाता है उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। मेरी मीटिंग उसके साथ फिक्स करवाओ, मैं फौरन बंबई पहुंच रहा हूं। अभी तुम सोचता होगा कि यह मीटिंग मैंने 5-स्टार होटल में काहे को नहीं रखा। अपन ने तेरे को जान बूझ कर इधर बुलाया है कालकेश्वर। लगता है अपनी जात और औकात भूल गया है तू। दो नंबर के धंधे में तुझ जैसे टपोरियों का बाप हूं मैं, और बाप का नाम इज्जत से लिया जाता है। यह सब टाइम का खेल है कालकेश्वर। जब टाइम पलटी हो जाता है ना, तो बेटे को बाप बनने में टाइम नहीं लगता। कल तक तुमसे मिलने अपुन तुम्हारे पास आता था, आज तुम खुद चलकर अपुन के पास आया है। अब बोलो क्या बात करनी है। 20 करोड़ का जो बैलेंस पेमेंट तेरे ऊपर है उसका फैसला करने आया हूं मैं। कैसा पेमेंट? तुम्हारे साथ डीलिंग मेरे पार्टनर विलास ने की थी, और तुम तो जानता है विलास मर चुका है। 20 करोड़ की वसूली के लिए अब तुमको ऊपर जाना पड़ेगा। देखो, तुम्हें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अगर 2 दिन के अंदर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं वो 20 करोड़ रुपए भूल जाऊंगा, लेकिन उसके बाद तुम यहां नहीं दिखोगे। मैं तुम्हें भी तुम्हारे पार्टनर के पास ऊपर भेज दूंगा, समझे? हिलना नहीं वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। ये तुम्हारा हिमाचल प्रदेश नहीं, मुंबई है मुंबई। अभी तुम्हारा लाइफ अपुन के हाथ में है, मनिया। Yeah.
अल्बर्ट, अल्बर्ट, अल्बर्ट मेरे भाई। बलबीर सिंह, ये तो कालकेश्वर का आदमी है। इसका मतलब कालकेश्वर यहां आया था। लगता है जिंदगी से बहुत नाराज हो तुम। क्या मैं पूछ सकता हूं क्यों? तकदीर ने ऐसा जख्म दिया है कालकेश्वर साहब, इसका भरना बहुत मुश्किल है। वक्त पर भरोसा रखो, वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है। जिंदगी में कुछ कम ऐसे भी होते हैं जिनसे इंसान का रिश्ता जिंदगी भर का होता है। मेरा गम कुछ ऐसा ही है। बड़ी खुशहाल जिंदगी जी रहा था मैं, लेकिन किस्मत इंसान के साथ कब क्या खेल खेल जाए ये कोई नहीं जानता। अलबर में सब कुछ खत्म हो गया, अब तो सिर्फ यादें बाकी है। ये क्या इतनी जल्दी दो खत्म तीसरी शुरू? देखो अब और नहीं। हाँ अरे आज तो न्यू ईयर ईव है, आज तो पीने दो। तुम बहुत बिगड़ गए हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम अब नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। साले बहुत मचल रही है। अपनी सेक्रेटरी थी, अपना दिल था उसके ऊपर, लेकिन साले हाथ नहीं आई। नौकरी छूट गई तो क्या हुआ? तेरा जो बैलेंस पगार है वो लेने के लिए आ जा मारिया। ये घूर घूर कर किसको देख रहा है तू? आग दिखाकर बच्चों को डराया जाता है, बच्चे बाप को नहीं। मुंह फाड़ के भौंकने से कुत्ता शेर नहीं बनता। लगता है तुझे तेरी औकात बतानी पड़ेगी। अर्जुन प्लीज। शराबियों को ठोके जब जब पीना चाहे रोके,
गली से क्यों शराबियों को ठोके, पीने वाले मेरी अखियों से पील ले, झूम के दीवाने अब जील ले, रुत आई है गुलाबी क्या है इसमें खराबी, कोई कहे जो शराबी तो कहने दे, रहने दे घबराना। ओ लेकिन कुड़ी तो ठीक कह रही है यार, शराब चीज वाकई खराब है। कोई कह दे शराबियों से पिए ना शराब, कोई कह दे शराबियों से पिए ना शराब, कह दे कह दे कह दे कह दे ये तो लत है बुरी, ये चीज है खराब, कोई कह दे। शराबियों से पिए ना शराब, कोई कह दे, कोई कह दे शराबियों से पिए ना शराब, कह दे कह दे कह दे कह दे ये तो लत है बुरी, ये चीज है खराब, कोई कह दे। कोई कह दे शराबियों से पिए ना शराब, कोई कह दे शराबियों से पिए ना शराब, कह दे कह दे कह दे कह दे ये तो लत है बुरी, ये चीज है खराब, कोई कह दे। तुमने इतनी पी रखी है, तुम गाड़ी कैसे चलाओगे? गाड़ी मैं चलाऊंगी। क्या यार मारिया, आज तुम्हारी फर्स्ट नाइट है, आज तो पीने दो। ड्रिंक और डांस के बाद सभी लोग तो हो जाते हैं। चलो ऐसे करते हैं, सामने जाकर दो घूंट पी ले। तुमको जाना है, जाओ। रात भर शराब में ही नहाते रहो, मैं घर जा रही हूँ। बाय। अरे मारिया, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर जी। शिपयार्ड में ले चलो। नहीं,
मारिया, 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 मारिया मेरी बात सुनो मारिया, हे मारिया, मारिया, नहीं मारिया, मारिया मारिया, 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 अर्जुन, मारिया, मेरे पास, मारिया, हे मारिया, कोई रास्ता नहीं था, मारिया, मिला सावंत की हत्या के जुर्म में पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था, इसलिए अल्बर्ट मेरे हाथों से बच गया था। लेकिन आज मैंने उसकी जिंदगी पर मौत की मोहर लगाकर अपना फर्ज और मारिया के पैर का कर्ज अदा कर दिया है। तुमने जो भी किया ठीक किया, लेकिन इस वक्त तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं है। तुम जेल से भागे हुए मुजरिम हो, इस इलाके में पुलिस तुम्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। अल्बर्ट की मौत के साथ मेरा मकसद तो पूरा हो चुका है कालकेश्वर साहब, अब पुलिस या कानून से मुझे कोई डर नहीं। अनजाने में ही सही, पर तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम मेरे फार्म पर क्यों नहीं आ जाते? वहां तुम्हें पुलिस और कानून का कोई खतरा नहीं होगा, तुम आराम से एक नई जिंदगी शुरू कर सकोगे। बता सकती है मिस्टर कालकेश्वर का बंगला कहाँ? कालकेश्वर का बंगला यहाँ से सीधे जाके दाएं मुड़ जाइए। थैंक यू। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि घोड़ा होते हुए भी आप पैदल क्यों चल रही? घोड़े की जब नाल टूट जाती है ना, तो उस पे सवारी नहीं होती। थैंक यू। कालकेश्वर साहब से बात कर सकता हूं? श्योर। वेलकम अर्जुन, वेलकम। कौन सफर कैसा रहा? बहुत अच्छे सर। बहुत अच्छा किया जो तुम आ गए। मोनिका, मीट माय वाइफ मोनिका। हेलो। हेलो मोनिका, ये अर्जुन है। मैंने कहा था ना, यही है वो जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। ओके, मैं चलती हूँ। नागपाल जी सर, अर्जुन साहब हमारे खास मेहमान हैं, इनके रहने का इंतजाम लॉग हट में कर दो। माथुराम, ओ माथुराम। राम राम बाबूजी, राम राम। राम राम माठू राम। राम राम माठू राम, राम, राम। जी। ये सरजी के खास मेहमान हैं, आज से यही रहेंगे। अच्छा। इनका खास ख्याल रखना, इन्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र मत करो बाबूजी, माठू राम के होते हुए बाबूजी को कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। ये लो माठू राम सरजी का सामान। अच्छा, आइए बाबूजी, आइए आइए। जैसे आप अपने सरजी के खास मेहमान है ना, वैसे ही मैं अपने सरजी का खास नौकर हूँ।
और खाना तो मैं इतना बढ़िया बनाता हूँ, लोग खाना कम खाते हैं और उंगलियां ज्यादा चाटते हैं। यानी आप बहुत काम के आदमी हैं। अपने सर जी के पास एक ही तो काम का आदमी है और वो है माठू राम। लगता है आप यहाँ नए आए हैं। सुना ये जगह बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत? ये तो स्वर्ग है स्वर्ग। कल माठू राम आपको अपने साथ ले जाकर सारी अच्छी अच्छी जगह दिखा देगा और एक जगह तो ऐसी दिखाएगा, ऐसी दिखाएगा कि बस मजा आ जाएगा। मिलाइए हाथ, मिलाइए। Let's go.
अबे यहाँ आने की हिम्मत कैसे की, चल निकल बाहर। अरे चिल्लाती क्यों है, प्यार से मान जा, आज तो जबरदस्ती करने का मूड है। चल रानी। क्यों भाई, जब लड़की मान नहीं रही है तो जबरदस्ती क्यों? हाय, ये मेरा और उसका मामला है, तू बीच में टांग मत अड़ा, चल निकल ले यहां से। और अगर ना निकलू तो? वो साला कमीना मेरी इज्जत लूटना चाहता था। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा पहिया चोरी करके भाग रहा। हट बेवकूफ। नहीं नहीं, मेरा मतलब अच्छा हो गया भाग गया, वरना वरना इनकी इज्जत खतरे में पड़ जाती। ये साहब कौन है? इन्होंने मेरी इज्जत बचाई। अच्छा अच्छा, इनका प्रोफेशन है इज्जत बचाना। ये तो जान नए आए हैं, सर जी के खास मेहमान है। हाँ। जी मेरा नाम जॉनी गाइड है, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। शुक्रिया, नाइस मीटिंग यू। चलो चलिए महाराज, चलिए। कोई बात नहीं, आखिर मिला लेते हैं। जा रही है यार। और चांदनी कैसी है तू? सेठ माया वाला, ये क्या आज? चांदनी यो तो माया को खेल है। सुन, थारे से एक जरूरी बात करनी है। वो छोरी को ये मत ही बताइयो कि अठेने में बराबर आया करो। वो बावरी तो ये समझे है कि वो हमारी पहली और आखिरी होने वाली लुगाई है। समझ गई, समझ गई। आजा छोकरी, आजा आजा, चल। तू कुछ भी बोल मनीषा, मैं अक्सर तुझे याद करती हूँ। ये तो सिर्फ कहने की बात है। भाई साहब, कॉलेज में मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन शादी की बात तो मुझे बिल्कुल ही भूल गई। यहाँ तक कि मेरी शादी में भी नहीं आई। आप मोनिका को लेकर हमारे यहाँ चंडीगढ़ आइए ना भाई साहब। थैंक्स फॉर द इनविटेशन। मैं समय निकाल कर मोनिका के साथ चंडीगढ़ जरूर आऊंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, थैंक यू थैंक यू। ये तो बियर है, इससे कुछ नहीं होता है अर्जुन साहब। एक आखिरी गिलास हमारे खातिर। ओके, चीयर्स। चीयर्स। बाय द वे मिस्टर कालकेश्वर, वैसे तो हमारा अर्जुन साहब के साथ इंट्रोडक्शन हुआ, पर हम ये नहीं जानते कि अर्जुन साहब करते क्या है। ये हवाई जहाज उड़ाते हैं, ही इज ए पायलट। पायलट यानी एरोप्लेन का ड्राइवर। अजी ड्राइवर तो ड्राइवर होता है, अब वो टैक्सी ड्राइवर हो के रिक्शा ड्राइवर हो या फिर प्लेन का ड्राइवर। शक्ल तो अच्छी है नहीं, कम से कम बातें तो अच्छी करो। मिस्टर बॉब, आप हमारे साथ आइए, आप कुछ बिजनेस की बातें भी कर लें। Thank you.
कुत्ता ऐसा पालना चाहिए जो अपने मालिक के इशारे पर चुपचाप तुम हिलाता हुआ उसके आगे पीछे घूमता फिरे। तुमने ये भौंकने वाला कुत्ता कैसे पाल लिया? इसकी ये हिम्मत कि मेरे ही घर में मेरी आंखों के सामने मेरे ही दोस्त की बेइज्जती कर दे? नो। हेलो अर्जुन, बॉब के आदमियों ने तुम्हारे साथ जो बदतमीजी की उसका मुझे बहुत अफसोस है। अरे नहीं नहीं सर, वो नशे में था। गुड, तुम्हें याद है ना रात को डिनर हमारे साथ कर रहे हो? हाँ सर याद है, डेफिनेटली आऊंगा सर। जानम, विस्की का नशा तो फीका पड़ गया। एक सच्ची सच्ची बात कहूं मोनिका, जो नशा तुम्हारे हुस्न और शबाब में है वो शराब में कहां? अरे मुझसे क्या पर्दा, मैं तो तुम्हारा पति हूं। तुम्हें देखने का, तुम्हें छूने का और तुम्हें आंखों से पीने का पूरा अधिकार है मुझे। फिर ये जिस्म मुझसे क्यों छुपा रही हो? बस यूं ही मेरे सामने खड़ी रहो और मुझे जी भर कर देखने दो। मैं तुम्हारी दासी नहीं हूँ कि जो तुम कहोगे मैं सर झुका के मान लूंगी। नंगा बदन देखने का इतना ही शौक है तो किसी वेश्या के कोठे पे चले जाइए। बिच, तू मुझे वेश्याओं के कोठे का रास्ता बता रही है? इस इलाके में मेरी हुकूमत चलती है, यहाँ का बादशाह हूँ मैं। आंसू पोंछ लो और चेहरे पर थोड़ी सी खुशी लाओ, मैं और अर्जुन डाइनिंग टेबल पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और सुनाओ अर्जुन, कैसा लग रहा है यहाँ? किसी किस्म की कोई तकलीफ तो नहीं है? कोई तकलीफ नहीं। ये जगह कैसी लगी तुम्हें? आका ही बहुत खूबसूरत है, हर तरफ सुकून और मुंबई में हर तरफ शोर शराबा, आदमी का दम घुटने लगता है। आप कभी मुंबई गई है मोनिका जी? दरअसल मोनिका को इस घर से इतना प्यार है कि इसे छोड़कर बाहर कहीं घूमने के लिए जाती ही नहीं। सर आपका फोन। हेलो हेलो अलेक्जेंडर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। हाँ बोलो। यस, ओह इट्स अ बिग डील। हाँ मैं कल ही वहां आता हूं। ओके अर्जुन, एक्सक्यूज मी, मुझे फौरन बाहर जाना पड़ेगा बिजनेस के सिलसिले में। सर खाना तो खा के जाइए। नहीं खाना खाऊंगा तो देर हो जाएगी, मुझे सिंगापुर जाना है, दिल्ली जाकर फ्लाइट पकड़नी है। मोनिका तुम अर्जुन का ख्याल रखना, मैं बस 4-5 दिन में ही वापस आ जाऊंगा। ओके ओके अर्जुन। ओके सर, बाय बाय। मोनिका जी आप इतनी चुप क्यों रहती हैं? आदमी को हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। Thank you.
अब ठीक तो है? जैसे आपको तकलीफ उठानी पड़ रही है। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मेरी वजह से आप अपनी जान पे खेल गए। आपको कुछ हो जाता तो? आपको बचाते हुए अगर मेरी जान भी चली जाती तो मुझे अफसोस नहीं होता। ये मेरे पीछे पीछे क्या आ रहे हो? एक चांदनी जरूरी बात करनी थी। कमीशन की बात करनी है तो रेस्टोरेंट में, घर में नहीं। नहीं, एक्चुअली घर की बात है, वो घर में करनी है। घर की बात? चांदनी, अब तो मैं अपना घर बसा ही लेना चाहिए। क्यों, मेरा घर उजड़ा हुआ है? उजड़ा नहीं, मतलब उसे रेनोवेट कर लो। जहाँ तुमने एक तोता रखा हुआ है, एक कुत्ता रखा हुआ है, एक पति भी रख लो। पति कोई पालतू जानवर है क्या? पति तो वो होना चाहिए जो मेरी रक्षा करे। है कोई माई का लाल जो मेरी चांदनी की तरफ आंख उठा के देखे? एक एक की आंख निकाल लूंगा, हिम्मत है तो सामने आए। ए, क्या कर रहा है? कुछ नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि तुम्हारे लिए एक वेल बिल्ट ऊंचा लंबा लाइफ पार्टनर ढूंढा जाए। वो तो मेरे सामने है। चांदनी, तुमने पहले कभी बताया ही नहीं। तुमने पहले कभी मेरी चॉइस पूछी ही नहीं। क्या आंखें हैं? बस जी, बचपन से ही मेरी माँ मेरी आंखों में सुरमा डाला करती थी। क्या बॉडी है! जब पंजाब में हम हल चलाते थे ना, बॉडी उसी वक्त बन गई थी। क्या मसल्स हैं! ये नेचुरल है, बस मैंने कभी एक्सरसाइज नहीं की। ए, मैं तेरी नहीं, मैं तो इसकी बात कर रही थी। यही है मेरे सपनों का राजा, मेरे दिल का जानी। ये आदमी तेरे लिए ठीक नहीं है। देखो तो इसकी मसल्स में क्या पावर है। तुमने इसे कुली का काम लेना है, ट्रंक उठवाने हैं। जो भी है, इसकी बॉडी का तो मुकाबला ही नहीं। भाई जनरल जॉनी क्या करेगा अब? ये मसल्स कैसे बनाए, किसका गुरु बनाए? ये हो गया जी 34। अरे क्या कर रहा है तू? एक मिनट जरा, ये हो गया जी अपना 31। टेलर का काम करने लग गया? नहीं साहब जी, मैंने भी ऐसे ही मसल बनाने हैं इसी नाप के। ये कितने दिन में बन जाएंगे? ये क्या पैंट शर्ट है जो नाप लेने से बन जाएंगे? नहीं नहीं, मेरा मतलब कोई फार्मूला तो होगा ही ना, खाना क्या पीना क्या। आप ऐसा करिए, अपनी डाइट लिखवाइए, कितने अंडे कितने मुर्गे कितने परौठे कितनी लस्सी वगैरह। तुझे पेट बढ़ाना या मसल्स? मसल्स अभी ऐसे बिल्कुल जबरदस्त मसल्स। मसल्स बनाने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, पर जिश। चल शुरू हो जा पुत्रा। अरे भाई चांदनी, चांदनी, अरे यो अपनो जानी गाइड कटे है, दो दिन से दिखाई नहीं दे रही हो। अरे दो दिन से तो वो मुझे भी नहीं दिखा।
पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया है। एक काम करती हूँ, मैं उसके घर जाके पता करती हूँ, ठीक है? ठीक है, जल्दी आइयो। ओके जॉनी। ए जॉनी, तू इधर क्या कर रहा है? उधर तुझे एक टूरिस्ट ढूंढ रहा है, चल उठ। अरे उधर क्या देख रहा है, मेरी तरफ देख जॉनी। ऐसा कौन सा काम करते रहे जिसकी वजह से सारा जिस्म अकड़ गया है? जैसे कोई शायर अपनी महबूबा की याद में शेर लिखता रहता है, गजलें लिखता रहता है, मैं अपनी महबूबा की याद में सारी रात कसरत करता रहा। कसरत? क्या करूं, जिस लड़की पर मेरा बेवकूफ दिल आ गया, उसे मसल्स वाला आदमी पसंद है, बॉडी बिल्डर। बड़ी बेवकूफ लड़की है। बेवकूफ क्या, तुम्हें भी तो सिल्वेस्टर स्टैलन पसंद है, वो मसल मैन था, अभी नहीं। ओ थैंक गॉड, मैं तो पहले कहता था कि वो आदमी दिल का साफ नहीं है, तुम्हारी जोड़ी उसके साथ नहीं जमेगी। मुझे भी अब वो अच्छा नहीं लगता। तो तुझे कौन अच्छा लगता है चांदनी? माइकल जैक्सन। वो अपना टेलर जिसने मेरा कोट खराब कर दिया था। ए वो तो सैमसन था, माइकल जैक्सन इज अ वर्ल्ड फेमस सिंगर। ओहो, तू अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही है, उसके बारे में तो आज तक मुझे यही नहीं पता चला कि वो आदमी है या औरत। ए देखो, उसके बारे में कुछ मत कहना, वो मेरी हार्ट बीट है। आई लव माइकल, आई लव हिम। ओ जनरल जॉनी, पंजाब जनरल जैक्सन। अर्जुन, आ? तुम्हें फोटोग्राफ्स दिखाने लाई हूँ। अच्छी है ना? बहुत अच्छी। आखिर खींचे किसने? क्या पियेंगे आप? कुछ नहीं। कुछ नहीं, ऐसे कैसे हो सकता, पहली बार आई हैं। चलिए मैं आपके लिए जूस बनाता हूँ। No formalities। मानता हूँ मैं आपका मेहमान हूँ, लेकिन इस वक्त आप मेरी मेहमान हो। चलिए। मैं मदद करूँ? No thanks, it's okay। क्या हुआ? कुछ नहीं। किशन चाचा,
किशन चाचा, माँ कहीं बाहर गई है क्या? अजीब बात है, कालकेश्वर साहब ने आपको बताया नहीं कि आपकी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। ये तुम क्या कह रहे हो किशन चाचा? हाँ बेटी, 2-2.5 महीने पहले तुम्हारी माँ का देहांत हो गया। अतीत में तो झांकने का अधिकार नहीं है मुझे, फिर भी एक दोस्त होने के नाते ये जानना चाहूंगा कि कालकेश्वर जैसा आदमी तुम्हारी जिंदगी में कैसे आ गया? मेरी बदकिस्मती मुझे कालकेश्वर के पास खींच लाई। वो मेरी जिंदगी का सबसे मनोहर दिन था जब डेली ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मुझे ब्यूटी क्वीन चुना गया और कालकेश्वर ने मुझे ब्यूटी क्वीन का ताज पहनाया। उसकी नियत उसी दिन खराब हो गई थी, इसलिए वो दूसरे दिन ही शादी का ऑफर लेके मेरे घर आ गया और जब मैंने शादी से इनकार किया तो फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी हाँ और ना में तुम्हारी माँ की जिंदगी और मौत छुपी हुई है। क्यों उतार दिया? मैं पूछ रहा हूं कि शादी का जोड़ा क्यों उतार दिया? क्योंकि मेरी नजर में यह शादी नहीं बल्कि एक समझौता है। अपनी मां की जिंदगी बचाने के लिए मैंने अपने आप को तुम्हारे हाथों बेचा है। तुम्हें मेरा जिस्म चाहिए था ना? ला, तुम्हारी हवस की आग में जलने के लिए मैं तैयार हूं। बुझा लो अपनी भूख, खेल लो मेरे जिस्म से। आओ, मेरी चाहत को हवस का नाम देकर तुमने मुझे गाली दी है। अगर मैं सिर्फ तुम्हारे जिस्म का भूखा होता तो मैं बिना शादी किए भी तुम्हें हासिल कर सकता था। शादी के बंधन में बंधने के बाद भी सिर्फ मेरा जिस्म जीत पाए हो, दिल नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया और ना ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई प्यार है। शरीर की भूख तो मैं किसी वैश्य के साथ भी मिटा सकता हूं, पत्नी मुझे तन मन दोनों से चाहिए। तुम मुझे पसंद भी करोगी और तुम्हें मुझसे प्यार भी करना होगा। प्यार की बाजी ताकत से नहीं जीती जाती, कालकेश्वर सिर्फ जीतना जानता है और अपनी जीत के लिए वो बड़ी से बड़ी कीमत सकता है। अब मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात उस दिन मनाऊंगा जिस दिन तुम खुद ब खुद अपने आप को मेरे हवाले कर दोगी और ऐसा करने के लिए मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा। अब
अब मैं इस दलदल से निकलना चाहती हूँ, इस कैद से आजाद होना चाहती हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, प्लीज अर्जुन मुझे यहाँ से कहीं और ले चलो। अपने जज्बात पर काबू रखो मोनिका, मैं तुम्हारा हमदर्द बन सकता हूँ, सहारा नहीं, क्योंकि दुनिया वालों की नजरों में तुम कालकेश्वर की पत्नी हो। मैं कालकेश्वर की पत्नी नहीं हूँ, क्योंकि ना तो मैंने अपने गले में उसके नाम का मंगलसूत्र पहना है और ना ही कभी अपने मांग में सिंदूर लगाया है। और अब ये बात मैं दुनिया वालों के सामने चिल्ला चिल्ला के बोल सकती हूँ कि मैंने कालकेश्वर को कभी भी अपना पति नहीं माना, और ये सच्चाई भी बता सकती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सच है अर्जुन कि मेरे हर सांस पे अब तुम्हारा नाम लिख चुका है। मेरी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, अब तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं इस दलदल से निकलना चाहती हूँ, इस कैद से आजाद होना चाहती हूँ। प्लीज अर्जुन प्लीज मुझे यहाँ से कहीं और ले चलो। क्या सोच रहे हो अर्जुन? मोनिका एक शादीशुदा औरत है, समाज तुम्हारे और उसके संबंध को स्वीकार नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मोनिका ने कालकेश्वर को कभी अपना पति नहीं माना, मैं उसे किसी भी कीमत पर कालकेश्वर के पास घुट घुट कर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। ये मत बोलो कि कालकेश्वर ने तुम्हें अपना दोस्त समझा है, क्या तुम उसके साथ दगा करोगे? एक कमजोर और बेसहारा लड़की पर जुल्म करके कालकेश्वर ने भी इंसानियत का खून किया है, लेकिन मोनिका से तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों है? क्या रिश्ता है तुम्हारे और उसके बीच? खामोश क्यों हो गया? जवाब दो, क्या लगती है वो तुम्हारी? क्या तुम भी उससे प्यार करते हो? मुझसे कोई नहीं छीन सकता।
मोनिका मोनिका, ओ माय डार्लिंग, हांगकांग से मैंने कितनी बार फोन ट्राई किया लेकिन लाइन लगी ही नहीं। मुझे लगता है कि मौसम खराब होने की वजह से लाइनें कट गई होंगी। कभी कभी मौसम की खराबी के बिना भी लाइन कट जाती है। ये देखो, तुम्हारे लिए हांगकांग से हीरो का नेकलेस लाया हूं, पूरे 50 लाख का है। कैसा लगा? देखो तो सही, कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है। तुमसे ज्यादा नहीं, तुम्हारे हुस्न की चमक इन हीरों से कहीं ज्यादा है। आज मुझे अपने आप पे सचमुच गर्व हो रहा है कि मैं एक कामयाब इंसान की पत्नी हूं। मेरा पति इतना बड़ा आदमी है कि मेरे एक इशारे पर दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज खरीदकर मेरे कदमों में डाल सकता है। लेकिन मैंने कभी भी उनकी तमन्ना नहीं की, मैंने वो चीज आपसे मांगी ही नहीं थी। लेकिन आज आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। मैंने कहा था ना कि एक ना एक दिन तुम्हारा दिल मेरी तरफ जरूर झुकेगा। आज मैं बहुत खुश हूं मोनिका, शादी के बाद पहली बार तुम मुझसे कुछ मांगने जा रही हो। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मां, मुझे मेरी मां चाहिए। मेरी मां दे सकते हैं आप? चौंक क्यों गए, जवाब दो, कहां है मेरी मां? क्या हुआ मेरी मां को? चुप क्यों हो गए कालकेश्वर सिंह? जवाब दो, मेरी मां मुझे वापस कर सकते हो? बोलो। शुक्र मनाओ कि तुम मेरी पत्नी हो, वरना मेरे गरेबा पर हाथ डालने की जरूरत किसी और ने की होती तो मैं उसके हाथ काट कर फेंक देता। तो काट डालो मेरे भी हाथ, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं हूँ। मार डालो मुझे जिस तरह से मेरी माँ को मार डाला था। तुम्हारी माँ को मैंने नहीं मारा, वो खुद अपनी मौत मर गई। वो जिंदा ही कब थी? वो बेचारी तो उसी दिन मर गई जिस दिन तुम्हारी धमकी से मजबूर होकर उसने मेरी शादी तुम्हारे साथ कर दी थी। तुमने तो उसे मुझसे मिलने तक नहीं दिया। तुम इंसान नहीं, दरिंदे हो, राक्षस हो तुम। Shut your mouth! अगर मैं राक्षस बन गया तो तुम अच्छी तरह से जानती होगे तुम्हारा क्या होगा। अपनी मरी हुई माँ पर जिंदगी भर आंसू बहाती रहना, लेकिन आज मेरे जन्मदिन की पार्टी है और पार्टी में मैं तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। गले लगाएं, क्योंकि अगर दिल में मस्ती हो, फेफड़ों में हवा हो और डायलॉग बाजी में कमाल की मस्ती हो तो तुसी वड्डियां वड्डियां दे फट्टे चक सकदे हो जी। चांद की आंखों में मस्ती, चांदनी रातों
पॉलिटिकल खिचखिच गद्दी लेते क्यों नहीं? अर्जुन, तुम पार्टी छोड़ के क्यों चले आए? घुटन हो रही थी मुझे। दरअसल इस तरह के माहौल का आदी नहीं हूं मैं। अब तो तुम्हें एहसास हो ही चुका होगा कि मैं किस तरह से घुट घुट के इस नर्क में जी रही हूँ। मां की जिंदगी का सवाल नहीं होता तो कब की खुदकुशी कर चुकी होती। कालकेश्वर के साथ एक जिंदा लाश बनके जी रही थी मैं,
उसका हर जुल्म, उसकी हर बात मानने पे मजबूर थी मैं। लेकिन आज आज मेरे सामने कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। प्लीज मुझे इस दलदल से निकालो अर्जुन, मुझे यहां से कहीं दूर ले चलो। तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम चाहे अपनी जुबान से ना कह दो, लेकिन मैं ये जानती हूं कि तुम भी मुझे उतना ही चाहते हो जितना कि मैं तुम्हें। और अगर ये गलत है तो मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो, कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। प्यार तो एहसास का रिश्ता होता है मोनिका, कोई जरूरी नहीं कि इसका कोई नाम कोई चेहरा हो। चेहरे से ही तो हर चीज की पहचान होती है। तुम इस रिश्ते को कोई नाम देने से डरते क्यों हो? डरने की बात नहीं है मोनिका, लेकिन हम दोनों जिस रास्ते पर चल पड़े हैं उसका अंजाम क्या होगा? प्यार करने वाले अंजाम की परवाह नहीं करते। अगर तुम्हें सचमुच मुझ पर इतना विश्वास है तो आज से तुम्हारी जिंदगी मेरी अमानत है। मैं कल ही कालकेश्वर से बात करूंगा। कालकेश्वर से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसे पता चला कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझ पर भरोसा रखो मोनिका, कालकेश्वर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे समझने की कोशिश करो अर्जुन, जिंदगी में बहुत खून खराबा देख चुकी हूँ मैं, अब और देखने की हिम्मत नहीं है। यार कोई मक्खी मारने वाला ही मंगवा दो अच्छा सा। अरे क्यों खामोखा मक्खी मारी है? अच्छा तू शिकार पे शिकार मारता जा, लड़की पे लड़की पटाता जा और मैं मक्खी भी ना मारूं? ओह मैं थारा प्रॉब्लम समझ गयो, पर माया वाला सेट के होते हुए ते क्यों परेशान हो रही हो? सुन यो दे। ये क्या बी कॉम्प्लेक्स? ना काम बटी, यो थारे बहुत काम आवेगी। चाय या कॉफी के साथ मिला को छोरी नू पिला देना, चमत्कारी गोली है, अंदर जाते ही अपना कमाल दिखावेगी। भाई चाय मंगवाओ जरा। थे मत खाइयो, छोरी नो खिलाइयो, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे चांदनी, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, जन्मदिन मुबारक। लेकिन मेरा बर्थडे तो आज नहीं है। मेरा बर्थडे है चांदनी। अरे मुबारक हो, फिर तो मुझे आपको फूल देने चाहिए। कोई बात नहीं, आप ये फूल मुझे दे दो। ले लो। थैंक यू। अच्छा केक चलेगा? मैंने आज बाइक चानस बनाया, साथ में कॉफी। हाँ। कॉफी मैं तुम्हें पिलाऊंगा क्योंकि जन्मदिन मेरा है ना। लेकिन घर तो मेरा है, कॉफी तो मैं ही बनाऊंगी। जन्मदिन तो मेरा ही है ना। कॉफी किधर है? चीनी, दूध, किचन ढूंढ लेता हूँ, कुछ मार भी नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया जी। केक काटने की। केक। लवली केक। कितने प्यारे हाथों से बनाया। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। अब ये कॉफी पी के देखिए। मैंने बनाई है बड़ी जबरदस्त स्पेशल। अच्छी है ना? Happy birthday, Johnny. Thank you. Thank you, darling. So nice coffee you're making. So hot coffee. I'm feeling hot. Hot. Garmi. Pankha chal rahe hai. Pankha.
तुम्हें लग रही है कपड़े तुम मेरे उतार रही हो? नहीं ये शर्ट मेरी है। अरे डार्लिंग, यो गोड़ी अभी क्यों खा रही है? यो गोड़ी खाने का मजा तो रात में आओगे। मैं तो इसे सरदर्द की गोली समझ के खा रही थी। अरे बावरी, यो सरदर्द की गोली नहीं, कोई और काम की गोली है। इको मजो, तू अभी जॉनी गाइड ले रही होगो। अरे बावरी, मरी गयो। जॉनी गाइड को बताना तो भूल गयो कि इस गोड़ी का असर 10 मिनट रह गए है। अब की होगो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा जन्मदिन है ना, मैं सेलिब्रेट कर रहा था। और ये लिपस्टिक के निशान? ये बचपन से ही है। और कमीज क्यों उतारी थी? कमीज मेरी इज्जत लूटने आए थे? मेरी अपनी इज्जत बड़ी मुश्किल से बची है। गेट आउट, निकलो यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पे लेटने की? ये तो आपकी हिम्मत थी, मेरी तो कोई हिम्मत नहीं थी। चुप, गेट आउट, ब्लडी रास्कल। किसी ने नहीं देखा। जनरल जानी, जब फट हुई कमीज पहन कर किधर जा रहे हो? वो आज एक फैशन शो है ना, उसमें हिस्सा लेने जा रहा हूँ। और ये क्या है? गलती से रुमाल की जगह आ गया। हेलो मनीषा, मैं मोनिका बोल रही हूँ। सुन, तुझे मेरे लिए झूठ बोलना पड़ेगा कि मैं तेरे घर आ रही हूँ। नहीं नहीं, असल में मैं तेरे घर नहीं आ रही। तुझे कालकेश्वर का फोन आए तो ये कहना कि मैं तेरे साथ हूँ। असल में मैं अर्जुन के साथ यहाँ से कहीं बाहर जा रही हूँ। मैं मोनिका बोल रही हूँ। सुन, तुझे मेरे लिए झूठ बोलना पड़ेगा कि मैं तेरे घर आ रही हूँ। नहीं, असल में क्या बात है, कहीं बाहर जा रहे हो? जी जी हाँ, वो दोस्त के वहां जा रहा हूँ, दिल्ली। भाई वाह, ये भी अजीब इत्तेफाक है कि तुम दोस्त के पास जा रहे हो और मेरी पत्नी मोनिका अपनी सहेली के पास जा रही है। जी, लेकिन इस तरह तुम अचानक क्यों जा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कोई नई मंजिल मिल गई हो? आपने ठीक समझा, पर असल यहाँ आने से पहले मेरी जिंदगी में कोई मकसद नहीं था। अगर अब एक मकसद मिल गया है। ये तो अपनी अपनी तकदीर की बात है कि किसी को कुछ मिल जाता है और किसी का कुछ छिन जाता है। जैसे तुम्हें कुछ मिल गया और हमसे कुछ छिन गया। दरअसल थोड़े ही दिनों में तुमने हमारे दिल में एक अपनी खास जगह बना ली है। अब तुम जा रहे हो तो ऐसा लग रहा है जैसे अपना कोई बिछड़ रहा हो। एनीवे, तुम तैयारी कर लो, हम तुम्हें पहुंचाने के लिए गाड़ी भिजवाए देते हैं। ओके जी। Yeah.
दिल में जगा दी। तूने जो किया है उसकी सजा यही है कि तू मेरे कदमों में तड़प तड़प कर मरेगा। मैंने जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा नहीं हूं। मैंने तो एक मजबूर लड़की को तेरे अत्याचार से बचाया है। उसके मांग में सिंदूर भरकर उसे इज्जत दी है। शर्म तो तुझे आनी चाहिए अपने आप पर। तू इंसान नहीं, दरिंदा है, राक्षस है तू। हाँ।
जल्दी करो, फेंक दो उसे। चलो। मैं माथुराम के पास गई थी। वहां से पता चला कि मोनिका कालकेश्वर के बंगले पे नहीं है। मेरा दिल कहता मोनिका जिंदा है। मुझे किसी भी हालत में मोनिका तक पहुंचना है। मोनिका तक पहुंचने का एक ही रास्ता है और वो मैं जानती हूं।
तुम जिंदा हो? तुम लोगों ने तो मुझे मारकर फेंक दिया था, लेकिन मौत भी मुझे मार नहीं सकी। अब अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो बता, बता मोनिका कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। बता मोनिका कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। बता, बता कालकेश्वर ने कहाँ छुपा रखा मोनिका को? मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। बता। कुछ पता नहीं। Thank you.
मैं तो तुझे खुशखबरी देने आया था कि तेरा अर्जुन अभी जिंदा है। बहुत खुश हो गई हो ना यह जानकर कि तेरा यार अभी जिंदा है, लेकिन तेरी खुशी की उम्र बहुत कम है। पिछली बार तो वो हरामजादा गलती से बच गया था, लेकिन इस बार उसकी लाश को लाकर तेरे सामने डाल दूंगा। ये तेरी भूल है कालकेश्वर, तू अर्जुन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तू अर्जुन का, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तू मेरे अर्जुन का, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मोनिका जहां भी हो उसकी रक्षा करना मां, और मुझे आशीर्वाद दे कि मैं उसे कालकेश्वर के शिकंजे से बचा सकूं। शक्ति मां। Thank you.
जी सर जी, जिंदगी में पहली बार किसी ने कालकेश्वर को इतना बड़ा चैलेंज दिया है। अर्जुन मोनिका की तलाश में यहाँ जरूर आएगा। लेकिन सर जी, उसे कैसे पता चलेगा कि आपने मोनिका को यहाँ छुपा रखा है? वो यहाँ कैसे आ सकेगा? मोहब्बत का जुनून उसे जरूर यहाँ खींच लाएगा, और एक बार वो हरामजादा यहाँ आ गया तो फिर यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। मोनिका, 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 शेर और ताकतवर दुश्मन का शिकार करने में बहुत मजा आता है। मेरी आंखों में देख कालकेश्वर, तुझे अपना दुश्मन नहीं अपना काल नजर आएगा। काल? काल तो कालकेश्वर के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा है। अब इसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। अपने अहंकार के कारण मैं इसके साथ सुहागरात नहीं मना सका, लेकिन आज मैं सारे असूल तोड़कर इसके साथ बलात्कार करूंगा। यू बास्टर्ड! वैसे बलात्कार है तो बड़ी गंदी बात, लेकिन यह गंदा काम मैं तेरे सामने इसलिए करूंगा क्योंकि यह तेरी महबूबा है। आई विल किल यू, आई विल किल यू। कालकेश्वर, डाई कालकेश्वर! Thank you.
Oh my darling.